प्रेज द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिखाया है। एक बहुत ही विशेष संदेश मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ और वो संदेश है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 1:7 में लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। तो हम आज प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में देखेंगे। हम देखेंगे दूसरे आगमन का उद्देश्य क्या है, यीशु मसीह के दूसरे आगमन का उद्देश्य क्या है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपका दोस्त पास्टर राजमेसी आपसे मुखातिब हूँ और इस संदेश को आपके सम्मुख लेकर आया हूँ ताकि हम उन बातों को जान सकें जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन से जुड़ी हुई हैं, उससे रिलेटेड है। मैं आपके सम्मुख कुछ 7 पॉइंट रखूँगा कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन का उद्देश्य क्या है। तो आइए जल्दी से छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए तूने दिया है। प्रभु जी आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता करना, जो भी गुण भेद की बात इसमें छिपी है उसे हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि हम तेरी उन गुण भेद की बातों को जान सकें। जितने भी लोग इस समय इस वचन को देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हरेक को आशीषित कर, हरेक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर, यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वचन को। यह है दूसरे आगमन के उद्देश्य, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य क्या है दूसरे आगमन का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो पहला आगमन था जब यीशु मसीह इस संसार में आए, पहली बार जन्म लिया, तो वो उद्देश्य न्याय करना नहीं था बल्कि मनुष्यों का उद्धार था। प्रभु यीशु मसीह जब पहली बार इस संसार में आए, एक बालक के रूप में आए, मनुष्य के रूप में आए, तो वो था मनुष्यों के उद्धार का उद्देश्य। वो परमेश्वर का उद्देश्य था कि मनुष्य जो पाप में पड़ गया है वो विश्वास करे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और उद्धार पाए। हम जानते हैं यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये पहला जो आगमन था यीशु मसीह का वो उद्धार की एक योजना थी परमेश्वर की, जिसमें हम सब शामिल थे। तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन की अब हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत जल्दी यीशु मसीह का आना है और वो आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, क्योंकि अब हम विश्राम दिन में प्रवेश कर चुके हैं और इन विश्राम दिनों में ही यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह जब दूसरी बार आएंगे तब वह परमेश्वर के न्याय के काम को पूरा करेंगे। न्याय होगा, अब यीशु मसीह न्याय करने आने वाले हैं। तो बहुत जल्दी यीशु मसीह का आगमन है, तो न्याय जब करेगा प्रभु तो उस समय क्या उद्देश्य होगा प्रभु यीशु मसीह का, आज हम इन बातों को देखेंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ इब्रानियों 9 और उसके हम पढ़ेंगे 28 को। देखिए क्या लिखा है वहाँ पर, इब्रानियों 9 और उसके 28 में लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। यानी कि जो संत लोग हैं, जो पूर्ण उनके पूरे उद्धार के लिए, यानी कि इस संसार से पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह उनको अपने साथ लेकर जाने वाले, ये उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन का। दूसरा पॉइंट है दूसरा थिसलुनीकियों एक अध्याय और उसके 10 को पढ़ेंगे हम। दूसरा थिसलुनीकियों 1 उसका 10, अपने संतों में महिमा पाने के लिए यीशु मसीह आ रहे हैं। लिखा है, यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही की प्रतीति की है। यानी कि दूसरा जो पॉइंट है वो है वो अपने संतों में महिमा पाने के लिए आने वाला है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है पहला कुरिन्थियों 4:5, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तो जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वही तो अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से
हर एक की प्रशंसा होगी। यानी कि अंधकार की बातों को ज्योति में दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। चौथा पॉइंट है न्याय करने के लिए। इसलिए आ रहे यीशु मसीह न्याय करने के लिए। दूसरा तिमुथियस 4:1 2 तिमुथियस 4:1 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ। वो न्याय करने आने वाला है और बहुत जल्दी हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हम सबके बीच में होगी। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन, यीशु मसीह का शुभागमन बहुत निकट है। प्रेज द लॉर्ड। पांचवा पॉइंट है राज्य करने के लिए। यीशु मसीह आ रहे हैं हमेशा के लिए राज्य करने के लिए। प्रकाशित वाक्य 11:15 में इस प्रकार से लिखा है, और जब सातवें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का है और उसके महिमा का हो गया है। जगत का राज्य, पूरे जगत पर प्रभु यीशु मसीह का राज्य होगा। तो ये पांचवा पॉइंट है। छठा पॉइंट है कि हमें लेने के लिए, ताकि हम उसके साथ रहें। प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आ रहा है ताकि हम उसके साथ हमेशा के लिए रह सकें। यूहन्ना 14:1-3 यह लिखा है, यूहन्ना 14:1-3 तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। 3 को देखिए क्या लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ये वायदा है प्रभु यीशु मसीह का कि वो फिर आएगा और हमें अपने साथ लेकर जाएगा ताकि हम उसके साथ रह सकें। ये उद्देश्य हैं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के। आखिरी जो उद्देश्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर सुनिए। 1 कुरिन्थियों है और उसका 15:25-26 पद में यीशु मसीह के आने का उद्देश्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करने के लिए आ रहा है। तो दोस्तों, आगमन के लिए, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाइए, तैयारी कीजिए, तन से, मन से और अपनी सामर्थ्य के साथ लग जाइए परमेश्वर की इस वचन को पढ़ते हुए, उससे आराधना स्तुति करते हुए, एक आत्मिक जीवन जीते हुए उसकी तैयारी करें। आइए आखिर में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूँगा। रोमियो की पत्री और उसका 12:1 यहाँ लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दयास्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब इस प्रकार से हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करेंगे। क्या आप, क्या मैं परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हैं? अगर नहीं है तो आज ही से तैयारी करें हम लोग, और अगर तैयार हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तू जल्दी आ और हमको अपने साथ लेकर जा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। ये 7 मैंने आपको बताए हैं, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आप सारी वर्सेस पढ़ सकते हैं। बाद में वर्सेस लिखी है मैंने, पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा कि ये 7 उद्देश्य हैं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के। और भी ज़्यादा हो सकते हैं, आप बाइबल में खोज कर बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि ये उद्देश्य भी है यीशु मसीह के आने का। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आपसे गुजारिश करता हूँ अंत में कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझसे बातचीत ज़रूर कीजिए। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीजस माई लाइफ, उसे भी ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है और
मेरी हौसला अफजाई कीजिए, प्रभु के काम में आगे बढ़ने में मेरी मदद सहायता कीजिए। फिर से हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड।